जी नमस्कार नमस्ते क्या नाम है आपका कीर्ति शर्मा कीर्ति जी कहाँ से आए आप मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं, मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ आप फरवरी 2017 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं इसका मतलब बरवाला की घटना के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हाँ सही बात है ये एक आश्चर्यजनक बात है कि आपने बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्या आप जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं हाँ जब मैंने नाम दीक्षा ली थी मुझे हर चीज़ का ज्ञान था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है उसके बावजूद मैंने नाम दीक्षा ली है क्योंकि उनका जो उनकी जो नॉलेज है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है और उनकी जो भी उन्होंने है ना लोगों को ज्ञान दिया है उसमें कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा है कि वो किसी मानव जाति के विरुद्ध बोल रहे हैं या किसी के आ, किसी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं उनके जो भी मतलब उन्होंने नॉलेज दी है वो मानव जीव के कल्याण के लिए है यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों तो क्या कहेंगे आ, एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे और इसके पहले प्रॉब्लम में थे मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा मूर्ति पूजा वगैरह है हम वही कर रहे थे मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे अगर ऐसे कहा जाए तो तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियाँ क्या थी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी आ, मेरे जो भगत जी हैं मेरे हस्बैंड हैं उनको बहुत ही बुरी आदत थी आ, जुआ खेलने की आ, वो खुद रिग लाइन पे हैं लाख सवा लाख डेढ़ लाख तक कमा लेते हैं मैं खुद टीचर हूँ मेरी इनकम घर पे आती है उसके बावजूद हमारा टू बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है मेरी पेमेंट अच्छी है तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे, तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं मेरे भगत जी को हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में जो मैं कह रही हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे उन्होंने मेरी कसम ली मेरे बच्चे की कसम ली मगर कुछ फ़ायदा नहीं था मगर जब से जिस दिन से हमने नौ तारीख से जो नाम दान लिया है दसवें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहां पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है वहीं लॉटरी खेलने के लिए हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे आज इसी चीज को छ महीने हो गए और मेरे हस्बैंड वहां पे जाने का नाम तो छोड़ दो अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफ़रत सी होने लगी है मुझे उस चीज़ से तो इतना बड़ा हमने सिर्फ छः महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है आपको लगभग छः महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं लोन वगैरह कर्जा वगैरह है अभी भी है मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है कम से कम हम सांस ले सकते हैं सुकून से जी रहे हैं पता है कि लोगों का कर्ज़ा भरना है और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है ये है वो है आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं वो रुक भी रहे उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे समझना ही नहीं चाहते थे आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है तू टाइम ले ले जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए जो बुरी आदतें थी उनकी वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी ऐसा क्या परिवर्तन आया देखिए मुझे तो मुझे लगता क्या मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे मैं कृष्ण जी का जाप करती थी वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है मन को सुकून मिल रहा है टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है बड़ी आसानी से हंसते खेलते और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने का आपको तकरीबन छः महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं उसके बाद आपका संत रामपाल जी महाराज में इतना भाव है और आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं आप क्या कहना चाहेंगे आ, आप सही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है मगर जब हम जुड़े थे तब हमने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि वो जेल में है बस हमें नामदान लेना था क्योंकि हमें हमारी परेशानियों से दूर होना था जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने उसको हम जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है देर आर चेंजेस इन आर फाइनेंशियल एज वेल एज़ हेल्थ एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक वाई दिस काइंड ऑफ संत इज Put behind the bars. It's a biggest question mark for our Indian government who has come over here to give relief to all our citizens, to all our mankind. And uh, it's really very pitiable thing, very bad, like very sorrowful thing that being behind the bars, he's doing so much of good for people. What if he will be out of the bars? What? out देखिए आप पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड पर्सन हैं आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं कंठी माला ही नहीं रखते हैं भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है माला वगैरह कर ले लेनी है संत इंसान मन से होता है आ, विचारों से संत होता है दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है संत रामपाल जी महाराज ही एक मेव संत है वही परमेश्वर है मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं आ, मैं पहले से ही भगवान के राह पर मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था रुचि थी काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं कोई क्रिश्चियन है कोई मुस्लिम है, है उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी उन पर विश्वास भी पहले से ही था सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी जो मुझे अभी पता चली है आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन हैं रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो वो उनका प्रोफेशन है वो कमाने के लिए कर रहे हैं लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके घर तो भरे जा रहे हैं बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं ही इज डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है जो देखा गया है मतलब लोगों को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं और आप रिसर्च भी कर सकते हैं जैसे तीन घंटे तीन घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और तीन घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का आप गारंटीड जिन्होंने सत्संग सुना है तीन घंटे का उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने तीन घंटे की फिल्म देखी है और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद सच्साइफ